हम बात करेंगे उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। ये मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया इसके एग्जैक्ट प्रूफ तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे एंशियंट पुराणों में कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है, ये मंदिर कई सारे सीक्रेट से भरा हुआ है जिसके बारे में जानना एक कमाल का एक्सपीरियंस है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा था, और उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर है। आप केदारनाथ के उन पुजारियों के बारे में भी जानेंगे जिनके बारे में एक समय ऐसी मान्यता थी कि उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हुआ करती थी। केदारनाथ महादेव का मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है, लेकिन अपने कमाल के निर्माण, अपनी रिमोट लोकेशन और एक रिच हिस्ट्री की बदौलत ये मंदिर कई नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्चर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। क्या आपको पता है कि केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं, वो भी तब जब दुनिया में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। इसका निर्माण इतना कमाल का है कि इसके जैसा दूसरा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मंदिर के बारे में आगे बढ़े उससे पहले इसके बेमिसाल आर्किटेक्चर की बात जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, ये मंदिर सी लेवल से 3600 मीटर ऊपर बना है। इसका कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं सुपर ह्यूमंस ने बनाया है। पांडवों के बाद कई वर्षों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी तक मंदिर कई जगह से टूट चुका था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका रिनोवेशन कराया। ऐसे में ये मंदिर 1200 साल से अपनी जगह पर मजबूती के साथ खड़ा है। तो फिर उस वक्त ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिस वजह से ये मंदिर इतने सालों के बाद भी सही सलामत है? इसके पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया है ना, वाकई कमाल का कंस्ट्रक्शन। जरा सोचिए कि आज हमें किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्रेन्स, मैकेनिकल लिफ्ट्स और बहुत सी मॉडर्न मशीन्स की जरूरत पड़ती है, वहीं हजारों साल पहले हिमालय के रिमोट रीजन जहां आसानी से चलना भी मुश्किल है, वहां इतने हजारों टन भारी पत्थरों से इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया होगा? हम इसके बारे में भी आगे जरूर सुनेंगे। लेकिन दोस्तों, केदारनाथ मंदिर का इतिहास और निर्माण जितना हैरान करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है केदारनाथ मंदिर की यात्रा, जो कि अपने आप में एक एडवेंचर है। माना जाता है कि केदारनाथ की यात्रा हजारों वर्षों से जारी है। आज भी केदारनाथ यात्रा चार धाम की यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप केदारनाथ आना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि केदारनाथ के आसपास कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इसका सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो गौरीकुंड से लगभग 210 किलोमीटर है, और उसके लिए आपके पास सिर्फ 6 महीने का वक्त होता है, क्योंकि मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने ही खुला रहता है। इस दौरान हम इंसान यानी आम लोग भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, लेकिन बाद के 6 महीने ये मंदिर बंद होता है। पुराणों के अनुसार इन 6 महीनों में यक्ष और गंधर्व केदारनाथ मंदिर आकर भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है, इस राज से भी हम आगे पर्दा उठाने जा रहे हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया है? केदारनाथ मंदिर इतना पुराना है कि इसका जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद पुराण, वायु पुराण, केदार कल्प और केदार खंड में इस मंदिर के बारे में बड़े विस्तार से लिखा गया है। वायु पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई तो उसकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण नाम के 2 ऋषियों का अवतार लिया। उन्होंने केदारनाथ के गंध मादन पर्वत पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कड़ी तपस्या की। भगवान शिव उनकी तपस्या से खुश हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने नर और नारायण से वरदान मांगने को कहा। नर और नारायण ने भगवान शिव से अपने साक्षात रूप में केदार भूमि में ही रह जाने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया और तथास्तु कहकर चले गए। तब से ही केदारनाथ भूमि को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन केदारनाथ मंदिर की सबसे पॉपुलर और इंटरेस्टिंग स्टोरी पांडवों से जुड़ी है। आपने ग्रेट एपिक महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। महाभारत के युद्ध को दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। महाभारत के युद्ध को धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध कहा गया है। इस युद्ध में धर्म की रक्षा के लिए पांडवों को उनके ही भाई कौरवों से युद्ध करना पड़ा था। पूरे 18 दिन चली इस लड़ाई में पांडवों की जीत हुई। उन्होंने दुर्योधन और दूसरे सभी कौरवों को मार गिराया। इतना ही नहीं,
युद्ध जीतने के लिए पांडवों को अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कई रिश्तेदारों को मारना पड़ा। युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। अपने ही भाइयों और गुरुओं को मारने का गिल्ट उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसे में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी मिलकर भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। पांडवों ने उन्हें अपनी सिचुएशन के बारे में बताया। हालांकि कई जगह भगवान कृष्ण की जगह महर्षि वेद व्यास का भी जिक्र है, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता भगवान कृष्ण को लेकर है। कहते हैं भगवान कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और फिर उन्हें बताया कि पांडवों ने युद्ध में अपने भाइयों और कई ब्राह्मणों की हत्या की है, इसलिए उन्हें गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। अगर पांडव स्वर्ग जाना चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने इस पाप का प्रायश्चित करके शुद्ध होना होगा। लेकिन कैसे? पांडवों के ये पूछने पर भगवान कृष्ण ने उनसे कहा, जीवन और मरण के इस चक्र को चलाने वाले भगवान देवों के देव महादेव हैं। महाकाल के रूप में प्रसिद्ध भगवान शिव ही आप पांडवों को इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। कहते हैं कि भगवान कृष्ण अच्छे से जानते थे कि भगवान शिव केदारनाथ में विराजमान है। यहाँ बर्फ में उनका ज्योतिर्लिंग छिपा है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से ही पांडव अपने पाप से मुक्त हो सकते थे, इसलिए उन्होंने पांडवों को केदारनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की सलाह दी। भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव और द्रौपदी भगवान शिव की तलाश में हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ की ओर चल पड़े। कई जगह ये दावा भी किया गया है कि पांडव भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को नहीं साक्षात भगवान शिव को ढूंढने केदारनाथ की ओर निकले थे। अपनी तलाश में पांडव कई दिनों तक हिमालय में भटकते रहे। वो जहां जहां जाते उन्हें दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखती। भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते अब पांडव थकने लगे थे। पांडवों के पास आज के समय के अनुसार कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं थी। वो उस वक्त जहां थे वहां इंसान तो क्या कोई परिंदा तक नजर नहीं आ रहा था। आखिरकार भटकते भटकते पांडव सबसे पहले गुप्त काशी पहुंचे। लकीली उस वक्त वहां भगवान शिव और पार्वती आराम कर रहे थे। कहते हैं भगवान शिव अपने ही भाइयों और गुरुओं की हत्या करने वाले पांडवों से बड़े नाराज थे। वो पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, लेकिन माता पार्वती से दर दर भटकते पांडवों और द्रौपदी की ये हालत देखी नहीं गई, जिसके बाद गुप्त काशी में उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। भगवान शिव की तलाश में बेचैन हो रहे पांडवों ने उनसे शिव का पता पूछा। इस पर माँ पार्वती ने उनसे कहा, भगवान की इस खोज में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि आपको किस रास्ते पर जाना है। पांडव माँ पार्वती के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी भैंसों का एक झुंड नजर आया। युधिष्ठिर जानते थे कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था। उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो इन्हीं भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छिपे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से कहा, इन भैंसों को एक एक कर झुंड से बाहर निकालो, इन्हीं में कहीं भगवान शिव मिलेंगे। भीम एक एक करके भैंसों को झुंड से अलग करने लगे। उन्होंने जबरदस्ती सभी भैंसों को अपनी दो टांगों के बीच से गुजरने पर मजबूर किया। भैंसें एक एक करके भीम की टांगों के नीचे से जाने लगी, लेकिन उनमें से एक भैंसा भीम की टांगों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार नहीं था। वो भैंसा जमीन पर अपना सिर रगड़ देखते ही देखते उसका आधे से ज्यादा शरीर जमीन में धंस गया। भीम ने फौरन दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचने लगे। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम की इतनी ताकत और बहुत कोशिश करने के बाद भी भैंसे का केवल पिछला शरीर ही जमीन के ऊपर आ पाया। पांडवों की दृढ़ आस्था देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। पांडवों के साथ हुई इस घटना के दौरान भैंस रूप धारण करने वाले भगवान शिव का केवल पिछला हिस्सा जमीन के ऊपर आ सका, इसलिए केदारनाथ मंदिर में आज भी शिव जी की इसी रूप में पूजा होती है, जबकि उनके शरीर के बाकी चार हिस्से अलग अलग जगह पर निकले थे। शिव जी के शरीर के ये भाग जहां जहां निकले उसे आज पंच केदार कहा जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी के धड़ का ऊपरी भाग नेपाल के पशुपतिनाथ में निकला। रुद्रप्रयाग जिले के उखीमठ में शिव जी के शरीर का मध्यम भाग निकला। आज भी यहाँ मध्यमेश्वर शिव की नाभि की पूजा की जाती है। रुद्रप्रयाग के चोपता में स्थित तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। ऐसे ही मुख की पूजा रुद्रनाथ में की जाती है और जटा कपिलेश्वर में पूजी जाती है। ऐसा कहते हैं कि पांडवों ने ही केदारनाथ में रहकर यहाँ मंदिर बनाया ताकि वे पूजा अर्चना करते हुए समय व्यतीत कर सकें। पांडवों के पास उस समय भगवान श्री केदारेश्वर की पूजा के लिए चने की दाल और मक्खन ही था, इसलिए आज भी भगवान केदारेश्वर की पूजा में चने की दाल और घी का बहुत ही महत्व है।
अगर केदारेश्वर के लिंग को ध्यान से देखने पर उसके एक भाग में भगवान गणेश और दूसरी जगह पर माँ दुर्गा का चिन्ह दिखाई देता है। ये तो थी केदारनाथ की कहानी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि भगवान शिव हमेशा किसी दूर दराज के एकांत इलाके में ही रहते हैं, जैसे कैलाश पर्वत, अमरनाथ या दूसरे दूर इलाकों में। केदारनाथ में भी कुछ ऐसी ही जगह है जो आज भी केवल साल में 6 महीने ही खुलती है, बाकी के 6 महीने भगवान शिव एकांत वास में रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया था कि केदारनाथ धाम के दरवाजे अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं और 6 महीने बाद भाई दूज को बंद होते हैं। हजारों साल पुराने इस केदारनाथ मंदिर की पूजा बड़े विधि विधान के साथ होती है। सुबह की सबसे पहली पूजा में ज्योतिर्लिंग को पवित्र जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद घी का लेप लगाया जाता है। फिर ज्योतिर्लिंग की आरती होती है जिसमें आम भक्त भी शामिल हो सकते हैं। शाम के समय भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। इस दौरान हिमालय से बड़े तंग आ गए थे, ऐसे में वो ब्रह्मा जी के साथ भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने हिमालय को पर्वतों का राजा बना दिया और सभी देवताओं, यक्षों और गंधर्वों के लिए भी जगह तय कर दी। शिव जी खुद भी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में धरती पर रहने लगे। ऐसे में आदिकाल से ही यक्ष और गंधर्व भी भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते थे। आज भी ये 6 महीने यक्षों और गंधर्वों के लिए रिजर्व होते हैं। केदारनाथ के कपाट बंद होने पर भगवान शिव की पंचमुखी चांदी की मूर्ति को उखी मठ के ओमकारेश्वर मंदिर में ले जाया जाता है, जहां अगले 6 महीने तक उसकी पूजा अर्चना की जाती है। केदारनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। वो कर्नाटक के वीरशैव कम्युनिटी से आते हैं। रावल की मदद के लिए 3 सहायक पुजारी भी होते हैं, लेकिन केदारनाथ के पुजारियों का एक बड़ा रोचक इतिहास है। दरअसल आदिकाल से ही भगवान शिव की पूजा करने वाला एक बड़ा वर्ग रहा है। 4वीं शताब्दी में भगवान शिव की पूजा आराधना करने वाले लोग खुद को पशुपात कहकर बुलाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान शिव को पशुओं का भगवान भी कहा जाता है। नेपाल में भगवान शिव का पशुपतिनाथ मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। आपने भगवान नंदी और दूसरे पशुओं को भगवान शिव की सेवा में जरूर उन पर बने शोज में देखा होगा। ऐसा कहते हैं कि पशुपात कम्युनिटी के लोग भी खुद को भगवान शिव का नंदी ही समझकर भगवान की पूजा करते थे। उनका रहन सहन और बर्ताव भी नंदियों की तरह होता था। वो शिव मंत्रों का जाप करते रहते और उन्हें सुपर नेचुरल पावर्स भी मिली थी। वहीं शिवजी के सेनापति वीरभद्र को ही आज भैरवनाथ के नाम से जानते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि शमशान का देवता कहलाने वाले भैरव भगवान शिव के गुस्से से जन्मे हैं, यानी वो भगवान शिव का ही एक रूप है। इसलिए भैरव बाबा गढ़वाली संस्कृति के प्रमुख देवता है। केदारनाथ में भैरवनाथ का एक खुला मंदिर भी है। केदारनाथ के इतिहास के अनुसार 6वीं शताब्दी के बाद से ही केदारनाथ धाम में भक्तों और राजाओं की रुचि बढ़ने लगी थी। 10वीं शताब्दी के आते आते केदारनाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन चुका था। इस वक्त तक केदारनाथ दूसरे तीर्थ क्षेत्रों से भी जुड़ चुका था। इस वक्त तक कई राजा भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंचने लगे थे। 13वीं शताब्दी तक केदारनाथ के आसपास बहुत से राजाओं ने मंदिरों का निर्माण शुरू कर दिया था। देश के दूसरे इलाकों के पुजारी यहां भेजे जाने लगे। धीरे धीरे ये क्षेत्र एक प्रमुख और वेल कनेक्टेड तीर्थ क्षेत्र बन गया। चंपन तार जैसे प्रसिद्ध साउथ इंडियन पोइट्स ने तो 7वीं शताब्दी में केदारनाथ का उल्लेख अपनी कविताओं में भी किया था। बताया जाता है कि 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच नाथ और वीर शैव कम्युनिटीज काफी पॉपुलर थी। उन्हें भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त कहा जाता था। इन कम्युनिटीज के लोगों को भगवान शिव से जुड़े पुराण और ग्रंथ मुंह जबान याद थे। वीर शैव समुदाय के अनुसार केदारनाथ उनके 5 मठों में से एक है। केदारनाथ के अलावा रामपुरी, उज्जैन, श्रीशैलम और वाराणसी अन्य मठ हैं। हर मठ के लिए एक जगत गुरु है। उन्हीं के शिष्य केदारनाथ गुप्त काशी के विश्वनाथ मंदिर, मध्यमेश्वर मंदिर और ओमकारेश्वर मंदिर उखी मठ में पुजारियों का काम करते हैं। केदारनाथ के बारे में बात हो और गढ़वाल के बारे में बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा कि आपने सुना कि 13वीं शताब्दी के बाद से ही केदारनाथ कई राजाओं से लेकर सामान्य लोगों के लिए तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध हो चुका था। इसके बाद अगली 4 सदियों तक केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के आसपास कई छोटी छोटी रियासतें राज करने लगी। हर रियासत ने यहाँ अपना एक किला, जिसे गढ़ कहते हैं, उसे बनवाया। यहीं से इस क्षेत्र का नाम गढ़वाल पड़ा। ये छोटी छोटी रियासतें 16वीं शताब्दी में राजा अजयपाल की रियासत में मिलकर एक हो गई। अजयपाल परमार वंश के एक राजा थे। ऐसा कहते हैं कि इस क्षेत्र की रिमोटनेस की वजह से ही अन्य क्षेत्रों के कंपैरिजन में इसका डेवलपमेंट धीमा हुआ। ऐसा भी माना जाता है कि इस क्षेत्र को एक नया रूप तब मिला जब यहाँ शंकराचार्य का आगमन हुआ। इस समय काल में भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक रिश्ते बन गए थे। ये तीर्थ यात्रा भी
पैसे कमाने का एक मेजर सोर्स बन गई थी। नॉर्थ इंडिया से तिब्बत जाने के लिए बद्रीनाथ से होकर जाना पड़ता था, क्योंकि केदारनाथ अपने बड़े ग्लेशियर्स के कारण ज्यादातर बंद रहता था। इसलिए केदारनाथ फाइनेंशियल नजरिए से उतना जरूरी नहीं था। उस दौर में तिब्बत, सेंट्रल एशिया और रशिया जाने के लिए बद्रीनाथ एक प्रमुख रास्ता था। ब्रिटिशर्स ने इस रूट का खूब फायदा उठाया। उन्हें यहाँ सिल्क, कश्मीर वूल, सोना, नमक और बोरामकस मिलता था। साल 1815 में गोरखाओं को हराकर ब्रिटिश ने इस इलाके को अपने अधीन कर लिया। आपने दुनिया के कई अजूबों और उनसे जुड़ी अलग अलग कहानियां सुनी होंगी। समय के साथ हर पुराना मंदिर, महल या दूसरा कोई मॉन्यूमेंट खराब होने लगता है। कई मॉन्यूमेंट वक्त की मार नहीं झेल पाते और खंडहर में बदल जाते हैं। लेकिन केदारनाथ एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो आज भी हजारों सालों से जैसे का वैसा खड़ा है। केदारनाथ मंदिर को भारी भरकम पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। ये अपने आप में एक अजूबा ही है, लेकिन आपको ये जानकर इससे भी ज्यादा हैरानी होगी कि ये मंदिर करीब 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। जब मंदिर कई जगहों से टूटने लगा तो 8वीं सदी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसे रिनोवेट कराया। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसके कई सालों बाद दुनिया में एक लिटिल आइस एज भी आया? जी हाँ दोस्तों, 1300 to 1900 AD के पीरियड को लिटिल आइस एज कहा जाता है। केदारनाथ तो पहले ही हिमालय की गोद में बसा एक मंदिर है। कहते हैं लिटिल आइस एज में बर्फ ने इस मंदिर को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद 400 साल तक ये मंदिर बर्फ के नीचे दबा था। इस दौरान किसी को ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि सुनसान बर्फीले इलाके में कोई ऐतिहासिक मंदिर भी दबा हुआ है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इस बारे में डिटेल स्टडी की है। लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग पत्थरों की उम्र जानने की टेक्निक है। वैज्ञानिकों ने लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग के जरिए केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक बहुत बड़े राज को दुनिया के सामने लाया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया ये मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ सबूत भी दिए। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंदिर की दीवारों पर बहुत सी पीली लकीरें या लाइंस बनी हैं। ऐसी लकीरें तभी बन सकती हैं जब कोई ग्लेशियर या चट्टान लंबे वक्त तक मंदिर की दीवारों पर रगड़ती रही हो। वैज्ञानिकों का दावा है कि मंदिर के अंदर भी ग्लेशियर में जमे रहने के निशान है, क्योंकि अंदर के पत्थर बाहर की तुलना में ज्यादा पॉलिश नजर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ नहीं होती, इसमें चट्टानें और मिट्टी भी होती है। लेकिन हैरानी की बात है कि 400 साल बर्फ के नीचे दबे होने के बाद भी मंदिर का बाल तक बांका नहीं हुआ। लाइकेनोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक केदारनाथ रीजन में ग्लेशियर फॉर्मेशन 14th सेंचुरी में शुरू हुआ और 1748 तक चला, और केदारनाथ चोराबरी ग्लेशियर का ही हिस्सा है। ये मंदिर तीन तरह से पहाड़ों से घिरा है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा केदारनाथ ठंडियों के दिनों में पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव न केवल सेवियर हैं बल्कि डिस्ट्रॉयर भी हैं। इस मंदिर का निर्माण ही कुछ इस तरह किया गया है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर इसका बाल भी बांका नहीं कर सका। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है। इसकी लेंथ 187 फीट और वेथ 80 फीट है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बहुत मजबूत पत्थरों से बनी है। ये पत्थर 6 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर स्थित है। रिसर्चर्स ने केदारनाथ मंदिर के 4 अलग अलग हिस्सों से रॉक सैंपल्स लिए। इन रॉक सैंपल्स को माइक्रोस्कोप, एक्सरे और XRD सिस्टम की मदद से स्टडी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि पत्थर क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और माइका से बने हैं। ये पत्थर नेचुरली डल व्हाइट कलर के हैं और इनमें बीच बीच में डार्क और लाइट बैंड्स हैं, जबकि मंदिर के एक्सटीरियर स्टोन वक्त के साथ काले पड़ गए हैं। रिलीजियस लिटरेचर और आर्कियोलॉजिकल स्टडीज के अनुसार ये मंदिर कम से कम 3000 साल पुराना है। हालांकि इस मंदिर की दीवारों पर बने आर्टवर्क 650 से 850 AD के बीच के बताए जाते हैं। पुराणों में मंदिर के आसपास ग्लेशियर होने का कोई जिक्र नहीं मिलता, इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि मंदिर के पास ग्लेशियर की 3 वजहें हो सकती हैं। पहली ये कि ग्लेशियर मंदिर की मौजूदा लोकेशन से बहुत दूर हो, दूसरा ये कि उस इलाके में कोई ग्लेशियर ही ना रहा हो, और तीसरा ये कि वहां पहले भी ग्लेशियर रहा होगा जिसे काट कर ये मंदिर बनाया गया होगा। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि साल 2013 की भीषण बाढ़ के बीच भी केदारनाथ मंदिर इसलिए बचा रहा क्योंकि इसका निर्माण और वास्तु बेजोड़ है। गढ़वाल के गोपेश्वर में गोपेश्वर महादेव या गोपीनाथ का मंदिर है। ये दिखने में बिल्कुल केदारनाथ मंदिर जैसा ही है। आर्किटेक्ट्स मानते हैं कि ये मंदिर भी केदारनाथ मंदिर की तरह मजबूत है। केदारनाथ मंदिर का एक और पत्थर बड़ा फेमस है। ये पत्थर हजारों साल पहले से यहाँ नहीं है बल्कि 2013 में यहाँ आया। दरअसल 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो उस वैली में सब कुछ तहस नहस हो गया, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही पत्थर है। दरअसल जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो कहीं से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे फंस गया। इसी डायरेक्शन से पानी मंदिर की ओर आ रहा था, लेकिन इस पत्थर ने मंदिर के लिए शील्ड का काम किया। आज भी ये पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे है। ये केदारनाथ मंदिर की एक चट्टान बनकर रक्षा कर रहा है। किंतु आखिर मंदिर को बचाने के लिए ठीक उसी वक्त उसी जगह ये पत्थर कैसे आ गया? ये महज एक कोइंसिडेंस है या फिर भगवान शिव की ही कोई लीला? आपने अब तक सुना कि कैसे केदारनाथ के मंदिर का निर्माण कितना रहस्यमय और हैरत अंगेज है। इसके बारे में जानकर ये यकीन कर पाना बड़ा मुश्किल है कि इसका निर्माण इंसानों ने किया है।
ऐसा लगता है कि इसे जरूर किसी सुपर ह्यूमन ने बनाया होगा, लेकिन यकीन मानिए हजारों साल पहले बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ये मंदिर बनाया गया है। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जैसा मार्बल दुनिया में शायद कहीं नहीं है, लेकिन इस मंदिर और भारत के दूसरे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक कनेक्शन जरूर है। क्या आप बता सकते हैं कि वो क्या है? दरअसल केदारनाथ और बाकी ज्योतिर्लिंगों में ये कनेक्शन है कि केदारनाथ से लेकर साउथ इंडिया के आखिरी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग तक ये सारे मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं। ये सारे ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं। केदारनाथ से शुरू करें तो ये 79.06 डिग्री पर है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती मंदिर 79.70 डिग्री पर है। इसके बाद तेलंगाना का कालेश्वरम मंदिर 79.90 डिग्री पर है। वहीं तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, थिल्ले नटराज, जम्मूकेश्वर, एकांबेश्वर नाथ मंदिर और रामेश्वरम मंदिर मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बने मंदिरों को जियोमेट्रिकली इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया होगा? इस तरह के प्राचीन मंदिरों के अद्भुत निर्माण को शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। केदारनाथ से रामेश्वरम के बीच के सभी मंदिर एक स्ट्रेट लाइन में स्थित हैं। ऐसे बहुत सारे राज हैं जिन पर से पर्दा उठना बाकी है। जैसे जैसे हम इन मंदिरों के बारे में पढ़ते जाते हैं, हमारा इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ता जाता है। जैसे फिलहाल ये सोचिए कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी और साइंस थी जो उन्होंने ऐसा निर्माण कार्य किया, क्योंकि बिना किसी टेक्नोलॉजी के भी सदियों पहले बने ये मंदिर नेचर के पांच एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पांचों मंदिर वास्तु विज्ञान और वेद का अद्भुत संगम है।